हेलो एवरीवन, आज मैंने बनाया है सूजी का गुलाब जामुन। जैसे गुलाब जामुन ज़्यादातर से हम मावा से बना लेते हैं, पनीर से बनाते हैं और या तो बाज़ार से लाते हैं, लेकिन वो बात नहीं होती है। सूजी हमारे घर पे होती ही होती है, तो जिससे आप बहुत आसानी से गुलाब जामुन बना सकते हैं। कभी भी खाने का मन हो तो फटाफट से सूजी का गुलाब जामुन बनाया जा सकता है। सूजी का गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ाया हुआ है। जैसे गर्म हो गया है, फ्लेम को धीमा किया है, उसमें मैंने एक चम्मच घी डाला है। घी जैसे मेल्ट हो गया है, यहाँ पे हम डालेंगे दूध। तो मेजरमेंट जो है बहुत अच्छे से अगर रहेगी तो चीज़ें जो है बनने में आसानी भी हो जाती है और ये जो गुलाब जामुन बनते हैं तो बहुत बढ़िया से बन के आएंगे। तो मेजरमेंट का हम ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि मैंने दो कटोरी मैंने दूध लिया है। अगर आप कप से ले रहे हैं तो 2 कप ले सकते हैं या 4 कप ले सकते हैं। तो अगर 2 कटोरी दूध लिया है तो उसके साथ हम इसमें डालेंगे सूजी। तो जैसे 1 कटोरी सूजी है और 2 कटोरी दूध और 1 चम्मच घी, यही रेशियो सही रहेगा इसके साथ। तो इसके हिसाब से आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसको हमें डालते समय फ्लेम को धीमा रखना है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और धीमे धीमे इसे लगातार चलाना है, क्योंकि इसे एक तरह से हमें पका लेना है। इसमें थोड़ा सा नहीं, मतलब बहुत कम टाइम में बन जाएगा ये, ऐसे ही लगातार चलाना है। तो ये जब आप देखेंगे तो सूजी जो है ये फूलने लगी है और ये अपने आप में दूध जो है इसमें ऑब्जर्व होने लगा है। तो पूरी तरीके से कुछ मिनट में ही ये बन के तैयार हो जाएगा। एक तरह से हमें एक डो तैयार करना है। तो जब तक जो है दूध और सूजी बहुत बढ़िया से मिक्स ना हो जाए, तब तक हमें चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे या स्लो फ्लेम पे हमें ये चीज़ें करनी है। तो ये देखिए, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और ये हो गया है। अब जैसे ही लगा कि दूध जो है पूरा सोख लिया है, तो इसे एक बाउल में हम निकाल देंगे। अब इसे हमें थोड़ा ठंडा करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गुलाब जामुन जब इसका हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो हल्का सा मैंने चम्मच से ऐसे ही प्रेस कर दिया है। इसे ढक के बस कुछ मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये हल्का सा भी, बहुत ज़्यादा गर्म है तो हल्का सा ठंडा हो जाए, ताकि जब हाथों से इसे गूँथेंगे ना तो बहुत बढ़िया से गूँथ जाए। और जब तक कि मैंने उसको रखा हुआ है सेट होने के लिए, तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए भी मैंने रेशियो रखा है। जैसे 1 कटोरी चीनी लिया है और 1 कटोरी पानी डाला है और इसको स्लो मीडियम फ्लेम पे हमें चाशनी को तैयार करना है। एक तरह से धीमे धीमे चाशनी जो है बनती रहेगी। तो मैंने चढ़ा दिया है, जैसे कि शुरू से ही 1 कटोरी सूजी था तो 2 कटोरी उसमें मैंने दूध डाला था और यहाँ पे 1 कटोरी चीनी है तो 1 कटोरी पानी है। मैंने फ्लेम को एकदम धीमे कर दिया है, वो अपने आप में धीमे धीमे बनता रहेगा। और 4-5 इलायची जो है उसको क्रश करके रख लेंगे, क्योंकि इलायची का पाउडर थोड़ा सा हम डो में भी डालेंगे और थोड़ा सा जो हमारा जो चाशनी है उसमें भी डालेंगे, फ्लेवर बहुत बढ़िया से हो जाएगा। तो चाशनी को भी बीच में ऐसे ही मैंने चेक किया है, तो अभी थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, तो मैंने गैस को है जो स्लो ही रखा है ताकि ये बनता रहे। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं, जो सूजी का हमारा डो बनने वाला है। अभी सूजी का डो जो है वो इतना ठंडा हो गया है कि हाथों से आप इसे मसल सकते हैं। तो इसी पॉइंट पे हम इलायची का पाउडर डाल देंगे, अब बहुत थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे। ध्यान रखेंगे मीठा सोडा की मात्रा जो है ना बहुत कम होनी चाहिए। और इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे और इसे हाथों से बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि गुलाब जामुन बनाते समय चाहे वो मावा का बनाए या पनीर का बनाए, अगर बहुत अच्छे से डो उसका सॉफ्ट रहेगा बहुत बढ़िया से, तभी जो है बढ़िया से बन के आते हैं, नहीं तो वो फटने लगते हैं। तो आप गुलाब जामुन कभी बनाते होंगे तो कुछ तो उसमें फट ही जाते हैं। तो जब अगर हम डो का ध्यान रखेंगे तो गुलाब जामुन जो है बहुत ही सॉफ्ट बन के आएंगे। तो अभी थोड़ा सा मीठा सोडा डालने के बाद से जब इसको ऐसे हाथों से बहुत बढ़िया से इसको हम मल देंगे, एक तरह से गूँथ देंगे, जैसे लगेगा ना एकदम सॉफ्ट से हाथों में आने लगा है, ऐसे हो जाता है ये। और सूजी है तो ये फूल भी गया है बढ़िया से। तो इसका हम ध्यान रखेंगे, जब इसको हम दूध में डालते समय धीमे फ्लेम पे हमें बहुत अच्छे से चलाते हुए ही पकाना है लगातार, ताकि कहीं से ये जले नहीं और फ्लेम जो है धीमा ही रहे। और जैसे ही ठंडा हो जाए तो इसको घी डाल के और इसको बहुत बढ़िया सा मिक्स करना है। एक तरह से हमारा डो जो है तैयार हो गया है। और फिर से चाशनी चेक कर लेते हैं, तो चाशनी जो है बन चुकी है। मैंने फ्लेम को मीडियम रखा था, तो इसमें जो इलायची का पाउडर बचा हुआ है वो डाल देंगे। तो मैं छिलके सहित ही इस्तेमाल करती हूँ, मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। तो चाशनी जो है हमारी तैयार हो गई है, तो अब इसको रखते हैं साइड में और एक तरफ से कढ़ाई चढ़ा देते हैं। उसमें जो जिस तेल में आपको फ्राई करना है गुलाब जामुन या घी में जैसे भी हो, उसको डाल के मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। तब तक जो है गुलाब जामुन बना के तैयार कर लेते हैं।
अब ये जो डो है सूजी का, ये पूरी तरह से रेडी है गुलाब जामुन बनने के लिए। तो हाथों पे जो है अच्छे से घी लगा लेंगे ताकि बनने में ना बहुत आसानी होगी और ये जो है फटेंगे भी नहीं। और जब इसका हम बनाएंगे गुलाब जामुन, तो आप इसके साइज़ जो है अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं, और जो है इसको आप गोल में भी रख सकते हैं जैसे गुलाब जामुन गोल वाले होते हैं, या इसको ऐसे लंबे में भी रख सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसको गोल साइज़ में बहुत ज़्यादा लड्डू की तरह बनाया हुआ है, तो अभी मैं इसको ऐसे लंबे में जैसे कि अंडाकार शेप में बना रही हूँ। तो अगर लगे कि थोड़ा सा यहाँ पे ना टाइट हो रहा है डो, या तो ये फटने लगे हैं बनाते समय, तो ऐसे ही हाथों पे लेके इसको अच्छे से मसल देंगे। जैसे मैंने अभी 2-3 बनाया है तो हाथों में लेने पे लग रहा था ना कि ये बनते समय थोड़ा सा हो सकता है फटने लगे, तो फिर से मैंने हाथों पे हथेली से इसको अच्छे से गूंथ दिया है। तो ऐसे करके जब बनाएंगे तो बहुत बढ़िया से सॉफ्ट से हमारे गुलाब जामुन जो है ये बन के तैयार हो जाएंगे। ये सब प्लेट में आ गए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। मीडियम फ्लेम पे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि धीमे धीमे गर्म हो जाए, टाइम लगता है तेल को गर्म होने में। अब गैस को मैंने एकदम से ही स्लो कर दिया है क्योंकि इसमें डालना है गुलाब जामुन को, तो इसमें ऐसे डालेंगे ना थोड़ा सा जैसे जगह छोड़ देंगे। तो मैंने ऐसे इसको किनारे किनारे से डाला है, बीच में मैंने गैप इसलिए छोड़ा है ताकि तेल जो है ना आप चम्मच के सहारे या कलछी के सहारे से ऊपर इसके ऊपर ला सकते हैं। तो कुछ सेकेंड के लिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे पहले, जब तक कि एक तरफ से बढ़िया से पक ना जाए, नहीं तो फिर ये चिपकने लगते हैं, फिर इसको पलट देंगे। और ये चीज़ हमें धीमे फ्लेम पे करना है। अब यहाँ पे आप फ्लेम को जो है मीडियम कर सकते हैं, जैसे ही लगे कि एक साइड से हो गया है और पलटने लायक हो गया है तो फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर दें। हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो बहुत जल्दी से सूजी के ऊपर जो परत है ना वो काली हो जाएगी और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे ही हमें एक तरह से स्लो मीडियम करके इसको बहुत बढ़िया सा इसको फ्राई करना है। तो कलर जो है थोड़ा सा लाइट ही रखें क्योंकि जब ये चाशनी में जाती है ना तो ये कलर ऐसे भी डार्क होने लगते हैं। तो एक साइड एक ट्रिप में जो मैंने डाला था उसको निकाल लिया है और आधा मैंने बचा दिया था, एक साथ नहीं डाला था चिपकने के डर से। तो दूसरे वाला भी डाल के ऐसे इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे ही उलट पुलट करके। तो बहुत बढ़िया से क्रिस्पी से हमारे गुलाब जामुन जो है फ्राई हो गए हैं। तो देख के कितने मज़ेदार से लग रहे हैं ना। तो इसको मैंने प्लेट में निकाला है, अभी बहुत गर्म है। तो चाशनी में डालते समय भी हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि चाशनी जो है गर्म ना हो और गुलाब जामुन भी बहुत गर्म ना हो। तो चाशनी जो है एकदम ठंडी हो गई है, कुछ मिनट हो गए हैं गुलाब जामुन को निकाल के रखते हुए भी। तो इसी पॉइंट पे हम डालेंगे चाशनी और गुलाब जामुन को एक साथ, नहीं तो अगर दोनों चीज़ें गर्म रहेगी तो इसमें जाते ही ना इसके ऊपर की परत जो होती है वो निकल जाती है। अब फिर अगर थोड़ी देर बाद से इसको छोड़ते हैं तो फिर ये एकदम से सौगी हो जाते हैं और टूट जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हल्की सी अगर चाशनी गर्म है तो हल्का सा ही गुलाब जामुन भी गर्म हो। तो बस हमारी मज़ेदार सा गुलाब जामुन जो है बन के तैयार हो गया है। तो बनाना है ना कितना सिंपल और आसान, कभी भी बनाया जा सकता है गुलाब जामुन, सूजी का गुलाब जामुन। गुलाब जामुन जो है ऐसी डिश है कि कभी भी इसको खाने में खाया जा सकता है, कोई भी सीजन का इंतजार नहीं करना पड़ता है। और अगर घर के बने गुलाब जामुन हो तो उसकी तो बात ही अलग है। फेस्टिवल सीजन हो या कोई गेस्ट आ रहे हैं या कभी ऐसे अपना भी मन होता है खाने का, तो बहुत ही फटाफट हम ये गुलाब जामुन बना सकते हैं क्योंकि सूजी हर घर में होता ही है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके लिए प्रॉपर पूरी तैयारी करनी पड़े। बहुत ही सिंपल तरीके से बन भी जाएगा। बस कुछ खास टिप्स होते हैं कि जो हमें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि जब सूजी को हमें दूध के साथ पकाना है तो फ्लेम को आप मीडियम ही रखें, क्योंकि जब तक दूध और सूजी का बढ़िया से एक तरह से डो नहीं तैयार हो जाए मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाना है। और उसके बाद से जब हमें इसका गुलाब जामुन शेप का बॉल बनाने है, या तो आप गोल साइज रखें या ऐसे ओवन में रखें, तो इसके लिए भी हाथों से घी लगाएं और बहुत ही बारीकी से बनाएं ताकि ये टूटे नहीं। तो ऐसे कुछ टिप्स का ध्यान रखेंगे। फ्राई करते समय जो है गैस जो है मीडियम होनी चाहिए और चाशनी में डालते समय गुलाब जामुन अगर गर्म है तो चाशनी एकदम ठंडी होनी चाहिए, अगर दोनों गर्म है तो इसको थोड़ा थोड़ा ठंडा कर लें। बस यही कुछ टिप्स होते हैं, अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा गुलाब जामुन घर पर बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर आज का रेसिपी पसंद आया हो तो आप इसे ट्राई करिएगा बनाने के लिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और मज़ेदार रेसिपीज के साथ। थैंक यू।